Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will cover the first question of international relations answer writing, that is international relation is a part of GS paper 2. So our first question is, recent geopolitical development in India's neighborhood requires a reset in India-Nepal relations. Critically analyze the statement and context in context of India Nepal China triangulation. अब यहाँ पर जो हमारा like अभी नेपाल recently क्या हुआ है, नेपाल ने अपना political map like issue की release किया है, जिसमें उन्होंने claim किया है कि जो काला पानी river like काला पानी claim काले पानी लिम्पुद्रा एंड लिम्पू लेक उत्तराखंड एज अ पार्ट ऑफ नेपाल टेरिटरी. उन्होंने क्या बोला कि ये नेपाल की टेरिटरी है. तो अभी लाइक इसी के रिगार्डिंग जो हमारा जीएस का क्वेश्चन बन सकता है, तो लाइक हम उसको फ्रेम करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या देंगे, जो भी अभी रिसेंटली न्यूज में हुआ है. अभी रिसेंटली लाइक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. नेपाल हैज रिसेंटली रिलीज अ न्यू पॉलिटिकल मैप दैट क्लेम काला पानी लिम्पुद्रा एंड लिम्पू लेक ऑफ उत्तराखंड एज अ पार्ट ऑफ नेपाल टेरिटरी. तो कालापानी हैज बीन अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, चाहे वो पहले से ही डिस्प्यूटेड एरिया था. द कार्टोग्राफी असर्शन बाय द नेपाल अपेयर्स टू थ्रेटन द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. फर्दर जो चाइना की एंगेजमेंट है नेपाल के साथ इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस द इंडिया इन्फ्लुएंस इन नेपाल हैज ऑल्सो लेड टू इरोजन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. जो चाइना की एंगेजमेंट उसके बीच में जो इंडिया और नेपाल के बीच का ट्रस्ट है वो एक तरह से इरोड हो रहा है. और बॉडी में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बैकग्राउंड क्या है, कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्या है. 1816 में हुआ था ट्रीटी ऑफ सगुली, जो लाइक कंक्लूडेड बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड द किंगडम ऑफ नेपाल स्टेट. उस टाइम पे क्या कहा गया था, जो काली रिवर इन द काले पानी रीजन डीमार्केट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. उस टाइम पे ये बात हुई थी जो काली रिवर है वो क्या करेगी, डीमार्केट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल. However, in recent time, Nepal ने क्या किया, contested that the tributary joining the Mahakali, जो tributary join कर रही है महाकाली रिवर को, at a Kalapani, is not the Kali River. Nepal is now content that Kali River lies further west to the Lipulik pass. वो क्या कह रहा है कि जो काली रिवर है वो further किधर ज्यादा जा रही है, further west to the Lipulik. इसका result क्या है, the result is boundary dispute between India and Nepal. This, there is a similar dispute over the Sista region due to the change of course of Gandak River which demarks the Indo-Nepal border from in the Bihar region, Champaran Bihar region. Like, दो तरह से हो रहा है. Next, हमारे लिए important हो जाता है series of diplomatic tussle. India, like जो Nepal की assertion है काले पानी के ऊपर is a part of series. ये पहली बार नहीं है, लेकिन एक series चल रही है. कैसे? Which reflects through the path in India's Nepal ties, other past being like वो कौन कौन सी है, India's reservation on Nepal's new constitution in 2015, virtual blockade of oil supply from India to Nepal for 6 months. Next, अगर उसके बाद जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसके लिए हमें देख लेते हैं. China's growing influence. In recent time, China has made in roads like in road into Nepal in infrastructure, education, health sector, and also Nepal want to take the advantage of China's BRI project. Like जो चाइना का border road initiative project है वो उसका फायदा लेना चाहता है. तो इंडिया के लिए एक तरह का ये वर्ल्ड सिचुएशन हो जाती है that China's checkbook diplomacy will would turn Nepal into the client state, which would undermine India's security interest. तो जो नेपाल है उसने इस बात को assert किया that its relationship with China is purely economic and will not be hurting the Indian strategic interest in any way. अब हम way forward में देख लेते हैं, like we have to conclude this answer within 250 words. और हम लोगों ने कोशिश किया, मतलब मेरे कुछ ज्यादा ही चले गए, लाइक आई हैव 448 वर्ड्स, लाइक मेरे 300 तक होंगे अगर मैं थोड़ा बीच में से जो पैराग्राफ की हेडिंग वगैरह को काट दूं. तो आप लोगों ने इसमें से जो आपको लर्न रहेगा उस चीज को आपने अच्छे से फ्रेम करना है विद इन अ वर्ड्स ऑफ 250 वर्ड्स. ओके, अब नेक्स्ट हम लोग इसका वे फॉरवर्ड देख लेते हैं. इंडिया एंड नेपाल थ्रू कॉपरेशन कुड ब्रिंग ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम इट people and region. Thus, both countries should make diplomatic effort to resolve the present crisis. Further, India should stop looking at Nepal purely through the security prism. The bilateral relation only as a transactional and part of zero-sum game with China. India should revise its stance on India-Nepal-China economic corridor. The corridor provides a likelihood of greater tourism and people-to-people contracts
contact which is important for bridging the trust deficit that exists today between India and China. Nepal should ensure that India, that any of its development activities will not jeopardize India's strategic interest. Like इसके लिए हम ना तो पूरा purely India को गलत बोल सकते ना purely Nepal को, like हम लोगों ने जो एक बेस्ट ऑफिसर सोल्यूशन दे सकता है हमने उस हिसाब से देना है कि लाइक जो इंडिया और जो उनके जो कंट्रीज के बीच में जो लाइक रिलेशंस खराब हो रहे हैं उस चीज को लाइक खत्म कर लाइक उसको कॉपरेशन के साथ अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है. ओके तो आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं बोल लाइक एक अच्छे ऑफिसर्स का क्या डिसीजन होगा वो सोच के आप लोगों ने अपनी आंसर राइटिंग को करना है. ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके आप लोग इसको सुनने के बाद आप अपना आंसर कंपाइल करोगे एंड यू विल शेयर योर आंसर इन अवर फेसबुक चैनल. हमारा जो पेज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ. आप उसमें शेयर करोगे एंड वी विल चेक दैट लाइक हमारा जो तैयारी है वो किस तरह चल रही है. ओके इफ यू आर न्यू ऑन अवर चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. Like our video if you like, dislike if you doesn't like our video, and please put a comment why you are disliking our video so that we can improve our quality. Thank you and have a nice day.